15 जुलाई शनिवार का दिन सावन शिवरात्रि साथ ही त्रयोदशी तिथि वृद्धि योग मृगशिरा नक्षत्र मंगल स्वामी और चंद्रमा का आपकी कुंडली में सूर्य के साथ गोचर करना आपकी तो किस्मत बदलने वाली है। आपके जीवन में तरक्की का योग बन रहा है, ऐसे परिणाम मिलेंगे जो आपके भाग्य को बदल कर रख देगा। कार्य की उन्नति, शुभ स्थिति आपके पराक्रम को बढ़ाएगा। शानदार सफलता, जीवन में लाभ और धन की प्राप्ति होगी। तो विस्तार से राशिफल जानते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। ओम श्री हनुमन्ते नमः। संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। निश्चय प्रेम प्रतीत ते, विनय करे सम्मान, तेहि के कारण सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। हनुमान जी आपको भाग्यशाली बनाए, संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। 15 जुलाई शनिवार का दिन सावन माह कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि वृद्धि योग में मृगशिरा नक्षत्र मंगल शुक्र चंद्रमा का प्रभाव। आज आपकी कुंडली में मंगल शुक्र चंद्रमा का प्रभाव होगा। राहु की छाया होगी, शनि की दृष्टि होगी, कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त होगी। कार्य आपके सिद्ध होंगे, मनवांछित सफलता सौभाग्य का योग है। आज आप तेजस्वी हैं, महत्वाकांक्षी हैं, उत्साह से चतुराई से अपने काम को करेंगे, भरपूर धन कमाएंगे, जीवन में सुख पाएंगे। आप भाग्य के धनी, भाग्यशाली, सौभाग्यशाली हैं। आज ये मंगल शुक्र चंद्रमा के प्रभाव से आपकी स्थिति मजबूत होगी। आज समृद्धि आरंभ हो जाएगा, आपके जीवन में आत्मविश्वास बढ़ेगा, ग्रह का शुभ प्रभाव आपके भाग्य को बदलेगा। भाग्योदय का भी योग है, उन्नति तरक्की का योग है। नौकरी व्यापार की स्थिति अच्छी होगी, परेशानी बाधा से राहत मिलेगा, धन संपत्ति आप कमाएंगे और जीवन में बड़े सुख सौभाग्य से आप आगे बढ़ेंगे। उत्साहजनक परिणाम मिलते हैं, जीवन में तरक्की आरंभ हो जाती है, महत्वाकांक्षा पूरी होने लगती है जब सूर्य और चंद्रमा की युक्ति होती है। आज आपकी कुंडली में शुक्र मंगल के साथ बैठा है, जबकि राहु के साथ बृहस्पति और सूर्य के साथ चंद्रमा का गोचर है। जीवन का आनंद लेंगे, आपकी इच्छा पूरी होगी और आज का दिन आपके लिए बड़ा सौभाग्यशाली दिन है। अनेक सुखों का भोग करेंगे, सुख समृद्धि प्राप्त करेंगे, परिवार में खुशियां बढ़ेगी, मन की इच्छा आपकी पूरी होगी। 15 जुलाई शनि की दृष्टि है और शनि का प्रभाव आपके जीवन में शुभता को बढ़ा रहा है, जिससे शोहरत भी मिलेगा, इज्जत भी बढ़ेगी, शान वाली जिंदगी होगी और सौभाग्यशाली होकर जीवन में आप अनंत सुखों का भोग करेंगे, बड़े भाग्यशाली हैं। नौकरी व्यापार अच्छा चलेगा, गृहस्थ जीवन सुख सुविधा से परिपूर्ण होगा, संतान की तरक्की होगी। आपके लिए आज का दिन बड़ा भाग्यशाली है। आज सावन शिवरात्रि है, महादेव का दर्शन करें, महादेव का जलाभिषेक करें, आपकी जीवन की समस्त कठिनाई दूर होगी। शनिवार का दिन है, शनिदेव का भी दर्शन करें, पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक जलाएं, आपकी सारी मनोकामना आज पूरी होगी। आज का दिन चार चरण में व्यतीत होगा। प्रथम चरण का स्वामी सूर्य है, द्वितीय चरण का स्वामी बुध, तृतीय चरण का स्वामी शुक्र है, चतुर्थ चरण का स्वामी मंगल है। तो बेहतर अवसर आपको प्राप्त होने वाले हैं, सभी तरह के सुख का भोग करेंगे, भाग्योदय का योग है। आज का दिन आपके लिए लाभकारी दिन है, लाभ की स्थिति जीवन की परेशानी को दूर करता है और आपके जीवन में खुशी देता है, विजय प्राप्त करने की शक्ति देता है, आपको भाग्यशाली बनाता है। आज राहु काल 9 बजे से 10:43 राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश ना करें, पूरब दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत ना करें। आपके लिए लकी कलर रेड होगा, लकी नंबर 8 होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:11, अभिजीत मुहूर्त 11:59, विजय मुहूर्त 2:45 और अमृत काल 2:52 आपके लिए शुभ है। आज का दिन आपके लिए तरक्की भरा है, सौभाग्यशाली है, क्योंकि आज शनि त्रयोदशी है, सावन शिवरात्रि है, मंगल शुक्र चंद्रमा का प्रभाव है, राहु की छाया शनि की दृष्टि है। आज आपके सारे काम सफल होंगे,
सफलता आपके कदम चूमेगी, तरक्की का योग है। उमंग उत्साह को बनाकर रखें, अपने काम को मेहनत से करते जाएं, निश्चित ही आपके भाग्य चमकेंगे और आपके जीवन में सफलता कामयाबी का योग बनेगा। हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें। जय श्री राम, जय हनुमान।